बसमिल शाम एम सिक्यूज़ पेट ऑफिशल मे द होम ऑफ करंट अफेयर इस वीडियो में हम आपके साथ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के असिस्टेंट पेपर के सॉल्व एम सिक्यूज शेयर करेंगे ये असिस्टेंट पेपर कैन गैरिजन की जो पोस्ट आई थी उनके लिए ये चौदह अगस्त दो हज़ार बाईस को कंडक्ट हुआ था पहला एम सिक्यूज़ है कैन आई एंट्रोज दिस टास्क यू सो इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन सी कैन आई एंट्रोज दिस टास्क टू यू चूज द ऑपजिट ऑफ लैक लैक का ऑपोजिट वर्ड यानी कि इसके मतजाद मतलब क्या है ऑप्शन बी सफिशंट लैक कहते हैं कि काफ़ी ना हो सफिशंट का मतलब है काफ़ी होना चूज द अपोजिट ऑफ बेनाफेक्टर बेने फैक्टर का ऑपोजिट कहेंगे उन ऑप्शन में से ऑप्शन एनिमी बेनाफेक्टर का मतलब हेल्पर है सो so, इसके ऑपोजिट वो अनहेल्प होगा या एनिमी होगा चूज द अपोजिट ऑफ कोविट कोविट का मतजाद मतलब वर्ड क्या है उनशन में से ऑप्शन बी ओपन चूज द अपोजिट ऑफ़ शेलो शेलो ये सती को कहते हैं सो so, इसके अपोजिट वर्ड क्या होगा ऑप्शन सी डी डी गहरे को कहते हैं अपोजिट ऑफ कौनसीड इस कौनसीट का अपोजिट यानी कि इसके मतजाद वर्ड क्या होगा ऑप्शन ए डिस्प्यूट अपोजिट ऑफ सिक्योर इस सिक्योर ये महफूज को कहते हैं सो so, इसके अपोजिट वर्ड क्या होगा ऑप्शन ई प्रकैर इस यानी कि आप खुद को महफूज नहीं समझते है. अब आते सिनानम्स की जानब सेम ऑफ

कौन सी शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई न्यू विंडो या कोई न्यू डॉक्यूमेंट वो ओपन करते हैं सो ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एन सेव ऑप्शन एग्जस्ट ऑन यानी ये जो सेव ऑप्शन होता है वर्ड में पावर पॉइंट में एक्सेल में सो ये किस टैब में मौजूद होता है सो ऑप्शन बी फाइल मेन्यू में शॉर्टकट की यूज टू पेस्ट अ सेल इज यानी कि सेल को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस वी ये ओवरऑल पेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है ए कलेक्शन ऑफ वायर्स दैट कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस इज कॉल्ड यानी कि तारे होती है उसके साथ उसके थ्रू हम सेवरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है ऑप्शन सी केबल्स विच फॉलोइंग रिक्वायर्स लार्ज कंप्यूटर मेमोरी इन गिवन ऑप्शन में से किस फॉर्मेट को लार्ज कंप्यूटर मेमोरी रिक्वायर्ड होती है सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस टेक्स्ट के अलावा टेक्स इमेजिंग हो, ग्राफिक्स हो, वाइस हो, ग्राफिक्स ये लार्ज कंप्यूटर मेमोरी कंज्यूम करता है डेटा रिकॉग्नाइज्ड इन रेशनल डेटाबेस इन नॉन कि रेशनल डेटाबेस में डेटा को हम कैसे रीऑर्गेनाइज करते हैं सो ऑप्शन बी टेबल्स के थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी सुटेबल यानी कि इन गिवन ऑप्शन में से कौन सी टॉपोलॉजी या टेक्नोलॉजी हाईली सुटेबल है सो ऑप्शन सी फुली फुली कनेक्टेड या टॉपोलॉजी व्हाट शुड बी डन टू मूव हाईलाइटेड डेटा फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट इन टू द क्लिप बोर्ड हमें क्या करना होगा कि जब हम किसी हाईलाइटेड डेटा को डॉक्यूमेंट में लाते हैं क्लिप बोर्ड से जो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी हमें उनको कॉपी करना होता है द फंक्शन की यूज टू गो टू ए स्पेसिफिक सेल इन द वर्क बुक इज कौन सी फंक्शन की के थ्रू हम किसी वर्क बुक में किसी स्पेसिफिक सेल पे जा सकते हैं सो ऑप्शन सी एफ फाइव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए वर्कशीट कैन बी एक वर्कशीट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी 16,384 कॉलम्स ये जो न्यू एक्सेल्स हैं उसमें इतने कॉलम मैक्सिमम कॉलम्स इतने हैं और अगर 2003 वाले एक्सेल की बात की जाए तो इसमें 256 थे आप रोज और कॉलम्स की तादाद को आसानी से फाइंड कर सकते हैं टू की पावर ट्वेंटी करेंगे सो आपको रोज़ की तादाद वो आपको मालूम हो जाएगी और अगर टू की पावर 14 करेंगे सो आपको कॉलम्स की तादाद वो मालूम हो जाएगी डिश पेस्ट द क्लिप बोर्ड कॉन्टेंट इन टू ए डॉक्यूमेंट यानी कि वो कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम क्लिप बोर्ड के कॉन्टेंट को डॉक्यूमेंट में लेके आ सकते हैं उसका ऑप्शन भी कंट्रोल प्लस भी ये पेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है यूजर फ्रेंडली कम्प्यूटर है यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर हमें किस चीज़ की यकीन दिहानी दिलाता है सो इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन डी इट इज वेल डिजाइन एंड ईजी टू यूज़ अगर ये ऑप्शन ना होता सो फिर नन ऑफ दी अबो है यानी कि ये तीनों जो है वो इस वर्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है द एट्रिब्यूशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म और क्वालिटीज टू थिंग्स सच एज मशीन कंप्यूटर्स इज कॉल्ड यानी कि मशीन और ह्यूमंस की एक किस्म की क्वालिटीज को क्या कहा जाता है ऑप्शन डी एंट्रोपोमॉर्फिज्म ए सिसटम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इन कारपोरेट देंट्रल थिंग नीडिड फॉर स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग इज़ यानी कि स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के लिए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि जो सिस्टम के साथ नज़दीक हो सो so, वो कौन सी है ऑप्शन डी बेसिक यानि कि बी सी पी एल बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए डी ये हाई लेवल लैंग्वेज है लोगो ये भी हाई लेवल लैंग्वेज में आता है